नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूखी के लिए नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने मुकदमे के शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, फैसला कल अदम किया जाए, नैब ने इस्तदा की है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की जमानत पर रिहाई। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत पर रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपीलों में नैब ने मौकिफ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे के शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। नैब का कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। हाई कोर्ट ने अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनने का हुक्म दिया था। अदालत से इस्तेदा है कि वो हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। वाज़ह है कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। हम सजा के खिलाफ शरीफ फैमिली की तरफ से अपीलें दायर की गईं, जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को सजा मुअत्तल करते हुए तीनों की रिहाई का हुक्म दिया था।